सैमसंग का सॉफ्टवेयर, ओ भाई भाई 4 साल के OS अपडेट, सैमसंग का कैमरा, ओ हो दी बेस्ट। यही सब सुनते आ रहे होंगे आप इस फोन के हर एड में, बट द क्वेश्चन इज कुछ और भी अच्छा है इस फोन में? हे गाइस, दिस इज प्रशांत फ्रॉम द टेक वोग और मैं इस फोन को 1 महीने से यूज कर रहा हूँ एज माई प्राइमरी डिवाइस। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ और बताना चाहूंगा, हो सकता है आप ये स्किप भी करना चाहें। सो आप में से बहुत लोगों को पता होगा आई हैव बिकम ए फादर नाउ एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, एंड जो मेरी ऑडियंस है वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगा ये खुशी आपके साथ शेयर करना बनता है। एंड ऑनेस्टली अब मुझे आपके सपोर्ट की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। इस चैनल को जब मैंने शुरू किया था तो मुझे लगा नहीं था कि कभी मैं 4000 सब्सक्राइबर के पास में पहुंच जाऊंगा, जहां पे आज हम खड़े हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना सपोर्ट मिलेगा, बट आई नो आप हैं, तो मैं यहां बैठा हूं और आपको वीडियो दे रहा हूं, और उम्मीद है जल्दी से आप 5K 10K भी हमारे सब्सक्राइबर कर देंगे। एंड मैं आपसे ही कह रहा हूं क्योंकि आप ही हैं जो कर सकते हैं। कुछ दिन वीडियो में हो सकता है कि इरेगुलरिटी आपको देखने को मिले, क्योंकि हमारी कैमरा वूमन भी हमारी हेल्प नहीं कर पाएगी। सो आई एम ऑन माई ओन, सो देयर इज दैट। ओके, सो बैक टू द टॉपिक, आप वीडियो में बहुत सारे चैप्टर्स देख सकते हैं और उनके जो कौन से हैं मैं वो वहीं बता दूंगा। तो इसी के साथ सबसे पहले कौन की बात करें, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड से थोड़ा अलग ही चलता हुआ नो चार्जर इन द बॉक्स। हाँ, वो एक्स्ट्रा 300 रुपए में मिल रहा था, लेकिन वो अब नहीं मिल रहा, और बंदा क्यों ही पे करे एक्स्ट्रा। ये कोई फ्लैगशिप फोन नहीं है जहां पे एक कंज्यूमर 50-60 हज़ार रुपए खर्च करके उसे 1000-2000 रुपए से इतना फर्क नहीं पड़ता हो। इफ यू रिमेम्बर, ये वही ब्रांड है ना जिसने सबसे पहले एप्पल को चार्जर और 3.5 mm जैक के लिए मॉक किया था, एंड उसके बाद की स्टोरी आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्ड और इन हैंड फील की। तो फोन आपको प्लास्टिक फ्रेम में देखने को मिलता है, बैक भी आपको प्लास्टिक में देखने को मिलती है, जो कि काफी अट्रैक्टिव लगती है, और डिफरेंट एंगल से जब लाइट इस पे रिफ्लेक्ट होती तो काफी अच्छे कलर्स भी प्रोड्यूस करती है। हाउएवर, ये फिंगरप्रिंट और स्मजेस काफी कैच करती है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली देखें तो आपको इतना विजिबल नहीं होते, सो दैट्स अ गुड थिंग, बट ऑब्वियसली साइड से देखेंगे तो विजिबल होते हैं, एंड ये प्लास्टिक बैक है तो स्क्रैचेस भी, तो कवर इज ए मस्ट। एंड उसी की बात करें तो वो आपको बॉक्स में नहीं मिलता है, कुछ डिसेंट और बजट कवर्स, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उनका बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब इन हैंड फील की बात करें तो सैमसंग के इन दिनों जितने भी फोन है वो सेम सिग्नेचर फॉलो कर रहे हैं। ये कैमरा जो लेआउट है ये आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा थ्रू आउट द ऑल फोन्स। वैसे देखें तो ये प्रीमियम तो लगता है, फोन बॉक्सी स्टाइल में देखने को मिलता है, 218 ग्राम के आसपास इसका वेट देखने को मिल जाता है, बट मैं ऑनेस्टली बताऊं तो लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड करने में मुझे ऐसा हैंड में कोई फटीग फील नहीं हुआ, काफी कंफर्टेबल रहता है। Honestly, फोन लुकिंग में काफी प्रीमियम है जब तक आप सिर्फ बैक से देखते हैं। एंड हियर कम्स द फ्रंट डिस्प्ले पार्ट। यहाँ से फोन देखने में ऑनेस्टली बताऊं तो काफी अगली लगता है, बड़े बड़े बेजल्स और ये बाबा आदम के जमाने की वाटर ड्रॉप नॉच। फोन बैक साइड से जितना मॉडर्न और प्रीमियम लगता है, फ्रंट से देखने पर ऐसा लगता है कि 4-5 साल पुराना कोई मॉडल हो। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि हाँ 15,000 में सब कुछ थोड़ी मिलेगा, आई गेट इट, लेकिन जो गलत है वो किसी ब्रांड के नाम से थोड़ी छुप जाएगा। एंड वहीं बात करें तो एट द सेम टाइम इस प्राइस में थोड़ा सा अनयूजुअल आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, एंड ये एक गुड क्वालिटी डिस्प्ले है। इनफैक्ट आउटडोर की ब्राइटनेस भी काफी अच्छी रहती है, आपको आउटडोर यूज करने में इतना कोई डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होगा, कंटेंट्स काफी विजिबल रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले के एडवांटेज के साथ ही रिफ्रेश रेट है वो 90 Hz देखने को मिलती है, बट यहाँ पे आपको ऑटो रिफ्रेश रेट मोड नहीं मिलता, स्मूथ और स्टैंडर्ड। तो या तो आप इसको 60 Hz पे रख सकते हैं या 90 Hz पे, वेरिएबल रिफ्रेश रेट जैसा कुछ देखने को नहीं मिलता। एंड अब अगर आते हैं कंटेंट कंजप्शन की तरफ, तो फोन की जो डिस्प्ले है उसके कलर रिप्रोडक्शन काफी अच्छा है, इनफैक्ट व्यू एंगल भी काफी डिसेंट मिल जाते हैं, वाइड वन L1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और प्राइम और नेटफ्लिक्स आप दोनों में ही फुल HD कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली नो HDR ड्यू टू चिपसेट लिमिटेशंस। यूट्यूब में आप 1440p @60fps वीडियोस प्लेबैक कर सकते हैं, एंड जो वीडियो प्लेबैक है वो थ्रू आउट द ऑल एप्स काफी स्मूथ रहता है। अब मीडिया कंजम्पशन के साथ ही स्पीकर की बात करें तो आपको बॉटम में एक सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है। आई विश यहाँ पे सेकेंडरी स्पीकर इम्प्लीमेंटेशन दे देते यूजिंग ईयरपीस, स्पेशली जब बाकी ब्रांड अब इस प्राइस में देने लग गए तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। ऑल्सो सिंगल स्पीकर होने की वजह से कई बार गलती से स्पीकर ब्लॉक भी हो जाता है, तो आई विश 80% और 20% का साउंड डिस्ट्रीब्यूशन भी दे देते तो काफी अच्छा होता। बट सवाल ये आता है कि क्या सिंगल स्पीकर अच्छा है? देन यस, स्पीकर क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। हाउएवर, कभी कभी किसी सॉन्ग के साथ आपको ऐसा लग सकता है कि ट्रेबल थोड़ी सी ज्यादा शार्प है। हाँ, आपको डॉल्बी एटमॉस देखने को मिलता है, लेकिन सिर्फ ईयरफोन मोड में।
सो व्हेन इट कम्स टू 3.5 एमएम जैक, बजट फोन्स की यही सबसे अच्छी बात लगती है। कुछ भी हो, वायरलेस हो या टाइप सी ईयरफोन्स है, उनसे बेटर आउटपुट देता है। एंड अगर म्यूजिक क्वालिटी की बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। एंड यहाँ पे आप EQ भी कर सकते हैं यूजिंग डॉल्बी एटमॉस। एंड अब बात करते हैं सेंसर की, तो आपको इसमें सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, एक्सेलेरोमीटर, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जिसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं लाइट सेंसर की, तो काफी अच्छे से वर्क करता है, फेयरली सेंसिटिव है एंड स्क्रीन ब्राइटनेस इसके अकॉर्डिंग काफी अच्छे से हैंडल हो जाती है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर की बात करें तो सैमसंग ने इस फोन में फिजिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं दिया है, वर्चुअली सॉफ्टवेयर से इंप्लीमेंट किया गया है, तो मूवमेंट को ट्रैक करता है। एंड एज यू कैन सी, अभी मैं अपने कान के पास लेके आ रहा हूँ, ये हिट एंड मिस सा रहता है। देखिए स्क्रीन ऑन नहीं हुई अभी भी, अभी ऑन हो गई, जबकि इसको होना नहीं चाहिए था। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। कंपास सेंसर की बात करें तो गूगल मैप्स में मैंने यूज़ किया, काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। इसी के साथ हैप्टिक्स की बात करें तो काफ़ी डिसेंट हैप्टिक्स देखने को मिल जाते हैं, फिर चाहे जैसे जेस्टर्स लाइक रिसेंट टैप्स, मिनिमाइज, बैक या फिर सैमसंग का कीबोर्ड यूज़ करते हैं, कंसिडरिंग द बजट इट्स गुड। एंड इसी के साथ बात करते हैं जिसको सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे 1UI 6.1 देखने को मिल जाती है ऑन टॉप ऑफ एंड्रॉइड 14। फ्यूचर में 4 OS अपडेट मिलेंगे और 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस। एंड अभी की बात करें तो अभी इसमें फरवरी का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है और ये अभी अप्रैल चल रहा है, तो इन्होंने कहीं मेंशन तो नहीं कर रखा, लेकिन मुझे लगता है कि सिक्योरिटी पैचेस आपको क्वार्टरली देखने को मिलेंगे। तो अब अपडेट्स की टाइमिंग की बात करें तो मुझे सैमसंग से इस बारे में कोई शिकायत नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपको ब्लॉटवेयर्स काफी देखने को मिल जाते हैं, हावेवर आप उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको कोई भी ओवर इंट्रोसिव नोटिफिकेशन भी नहीं मिलते। एंड नेक्स्ट, यस, कॉल रिकॉर्डिंग विदाउट अनाउंसमेंट, और ये मेरे लिए सैमसंग को प्रेफर करने का एक बहुत ही बड़ा रीजन रहता है हमेशा। तो चलिए अब सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं, तो कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ बुरी बातें भी हैं। तो पहले अच्छी बातों की बात करते हैं, तो UI जनरली काफी स्मूथ है, आपको कोई हिकअप्स देखने को नहीं मिलते और आपको इसमें फुल वर्जन 1 UI देखने को मिलता है। सिक्योर फोल्डर मिल जाता है जो कि जनरली काफी लोग पसंद करते हैं, और अगर आपके पास सैमसंग की डिवाइसेज हो तो आप कुछ एक्सक्लूसिव फीचर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कॉल एंड टेक्स्ट ऑन अनदर डिवाइस। बेसिकली सेम सैमसंग अकाउंट आपके दोनों फोन्स में होना चाहिए, तो आप अदर फोन जिसमें सिम इंसर्ट नहीं किया है उसमें भी कॉल अटेंड कर सकते हैं। एंड वहीं बात करते हैं अगर कंटिन्यू एप्स ऑन अदर डिवाइसेस, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन लागू होती है। अगर आपके दोनों फोन्स में सेम सैमसंग अकाउंट लॉग इन है और अगर आप ये फीचर इनेबल करते हैं, तो एक फोन में अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और फिर सपोज आप दूसरा फोन एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे भी वो ऐप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड एज यू कैन सी, ये चीज सैमसंग के ब्राउजर और सैमसंग नोट्स में सपोर्ट करती है। हाउएवर हाई एंड फोन्स में आपको कुछ और एप्स में भी इसका सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड एज यू नो, जो गूगल का नियर बाय शेयर है वो अब सैमसंग के क्विक शेयर में मर्ज हो चुका है, सो देयर इज दैट। एंड सैमसंग का थीम स्टोर मिल जाता है, जहां पे आप फॉन्ट्स, वॉलपेपर्स, आइकन्स, थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं, और यहां पे फ्री कंटेंट भी काफी देखने को मिल जाता है। स्प्लिट स्क्रीन की बात करें तो वो भी काफी इजिली आप ट्रिगर कर सकते हैं और स्मूथ चलता है। एट द सेम टाइम अगर आप विंडो मोड भी यूज करते हैं तो वो भी ट्रिगर करना काफी कन्वीनियंट है, एंड उसमें भी आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एंड इन दोनों फीचर्स की बात करें तो ये काफी पॉलिश देखने को मिलते हैं। आपको किड्स मोड देखने को मिल जाता है, जो कि अगर मैं बताऊं तो सैमसंग में सबसे बेटर इम्प्लीमेंटेशन मिलता है। स्क्रीन टाइम गोल यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, एंड कौन सी ऐप का आप एक्सेस देना चाहते हैं ये भी सेट कर सकते हैं, और देख भी सकते हैं कि क्या क्या ऐप्स उसने यूज की है। एंड ये थोड़ा सा अलग है, अगर टाइम लिमिट एंड हो जाए तो आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि उसको कौन सी ऐप का एक्सेस रहे, और डिफरेंट डिफरेंट किड्स की प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है अगर अदर ब्रांड्स को देखें तो। एंड इसी के साथ बात करते हैं जो चीजें इसमें एक कॉन की तरह मुझे पसंद नहीं आई। तो सबसे पहली, आपको इसमें ऑटो रिफ्रेश रेट मोड नहीं मिलता, जो कि होना चाहिए था। फोन इंटेलिजेंटली 60-90 या जो भी है उसके बीच में स्विच करता तो बैटरी के लिए और एफिशियंट रहता। एंड ये बहुत अजीब लगा, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को नहीं मिलती इस फोन में। हाँ, आप प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये एक बेसिक फीचर होता है, ये होना चाहिए था। हाउएवर आपको गेमिंग हब में गेम प्ले का स्क्रीन रिकॉर्ड ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो मेरा कहना है अदर में भी दे देते, इतना मुश्किल नहीं था। देखिए, मैंने आपको ब्लॉटवेयर्स के बारे में बता दिया जो कि आप अनइंस्टॉल और डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जैसे ऐप ड्रॉवर ओपन करते हैं आपको ये डिस्कवर का टैब मिलता है। ये बात, आप इसको डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन एट द फर्स्ट प्लेस ये होना ही नहीं चाहिए था, खासकर उस ब्रांड के फोन में तो नहीं होना चाहिए जो अपने सॉफ्टवेयर को सबसे ज्यादा हाईलाइट कर रही है। पांचवा जो पॉइंट मैं कौन सा बताने वाला हूँ वो इसी में एक एडेड बोनस होगा। एंड नेक्स्ट, आपको इसमें एमोलेड डिस्प्ले तो देती, लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट नहीं
नहीं दिया। इट्स लाइक यू गॉट अ टीवी बट नो इलेक्ट्रिसिटी। ओके आई गेट इट, सैमसंग बजट फोन्स में नहीं देता ताकि वो बजट और प्रीमियम फोन्स को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सके, बट सीरियसली इस तरीके से ऐसा लगता है कि बस उनको जल्दबाजी में ये फीचर बजट फोन से हटाना था। उन्होंने जो सेटिंग मेन्यू और सैमसंग थीम्स है वहां से वो फीचर सिर्फ हाइड कर दिए। सी देयर इज ए फीचर कॉल्ड एज लाइटिंग इन नोटिफिकेशन सेटिंग्स, जो कि बेसिकली तब यूजफुल होता है जब आपके फोन की स्क्रीन ऑफ हो और आप नोटिफिकेशन अलर्ट पाना चाहते हैं। अब ये ऑप्शन तो दे दिया बट वो फिर फोन की सिर्फ स्क्रीन ऑन होती है तभी वर्क करता है, अनलाइक दूसरे सैमसंग फोन जिनमें आपको ये ऑनवेज ऑन डिस्प्ले में देखने को मिलता है। कोई सेंस है इस बात की? ये तो जो एज लाइटिंग का जो होल पर्पज है उसी को डिफीट कर देता है। एंड अगले कौन की बात करें तो ग्लांस देखने को मिलता है, जिसके बारे में मैं ज्यादा कंप्लेंट नहीं करूंगा क्योंकि जो फोन सो कॉल्ड स्टॉक एंड्रॉइड के नाम से आते हैं उनमें भी आपको वो देखने को मिलता है, जैसे कि मोटोरोला G34। इसी के साथ बात करते हैं अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो आपको इसमें 13 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं, वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.3 देखने को मिल जाता है। अगर आपको इसमें NFC देखने को नहीं मिलता। अब बात करते हैं रियल टाइम यूजर्स की, तो वॉइस ओवर 5G सपोर्ट करता है। और अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो मुझे मेजर ऑफ कोई इशू नहीं मिले, काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी थी। एंड इजीली अगर नेटवर्क कहीं वीक होता है तो 4G में स्विच कर लेता है और वापस नेटवर्क कवरेज में आने पे 5G पे स्विच भी कर लेता है। एंड अगर कॉल क्वालिटी की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी थी, मुझे ऐसा कोई मेजर इशू देखने को नहीं मिला। वहीं नेटवर्क स्पीड की बात करें तो मेरे एरिया में जिस तरह की कनेक्टिविटी आती है उसके अकॉर्डिंग नेटवर्क स्पीड काफ़ी डिसेंट देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर रियल टाइम यूजेस की बात करें तो एसफॉल्ट 9 आपको ऑलमोस्ट 1.8 GB का देखने को मिलता है, तो उसे डाउनलोड करने में लगने वाला टाइम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन ये कोई फिक्स स्पीड नहीं है, ये डिपेंड करती है एरिया, टाइम और सर्वर की सिचुएशन पे भी, सो कीप दैट इन माइंड। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात करें तो TWS मैंने यूज किए और कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग मुझे कोई मेजर इशू देखने को नहीं मिला। एंड अगर बात करते हैं GPS की, तो मैंने गूगल मैप के ड्यूरिंग यूज किया और 10 सेकंड से भी कम में ये लोकेशन पे लॉक हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसी है। एंड हियर कम्स द नेक्स्ट पार्ट, आपको इसमें 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। एंड मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत ही अमेजिंग बैटरी लाइफ मिलती है। एंड आपके क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आपको कुछ बैटरी स्टेट्स भी दिखा देता हूँ। पहले बैटरी स्टेट की बात करें तो ये काइंड ऑफ हैवी रहा था, तो आप देख सकते हैं कि 4% बैटरी बची है। स्टैंड बाय टाइम मिला 1 दिन और 15 घंटे का, 10 घंटे 2 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम। एंड आप ये जितने बैटरी स्टेट्स भी देखेंगे इनमें सब में एक कॉमन मिलेगी कि मैं इस फोन से हॉटस्पॉट भी यूज करता हूँ, ऑन एवरेज अगर डेली देखें तो 2 घंटे के आसपास। तो इस बैटरी स्टेट की बात करें, 1 घंटे 32 मिनट मैंने कैमरा यूज किया, 1 घंटे 33 मिनट के आसपास इंस्टाग्राम, 57 मिनट मैंने BGMI भी खेला, 59 मिनट क्रिकेट लीग गेम खेला जो कि एक कैजुअल गेम है, 48 मिनट क्रोम, 40 मिनट के अराउंड फेसबुक और 30 मिनट के अराउंड मैंने कॉल्स भी अटेंड किए। वहीं अगर सेकंड बैटरी स्टेट की बात करें तो ये थोड़ा मीडियम इंटेंस रहा, लेकिन मैंने फोन को स्टैंड बाय थोड़े से लंबे टाइम पे रखा, बैटरी 5% बची है, 2 दिन और 11 घंटे का स्टैंड बाय देखने को मिला एज मैं हॉस्पिटल में था और फोन चार्ज करने का टाइम नहीं मिला, 9 घंटे 12 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम, 3 से 4 घंटे कॉल रहा था एज बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, 1 घंटे 39 मिनट के आसपास इंस्टाग्राम, 1 घंटे 29 मिनट वाइट स्टूडियो, 19 मिनट व्हाट्सएप, 29 मिनट क्रिकेट लीग और 26 मिनट क्रोम एटसेट्रा, ये यूजेज रहा था। वहीं अगर तीसरे बैटरी स्टेट की बात करें तो इसमें मीडियम यूजेज रहा था और साथ ही स्टैंड बाय मैंने इसको ज्यादा खींचने की कोशिश नहीं की, 5% बैटरी लेफ्ट रही है, 1 घंटे 20 दिन का स्टैंड बाय देखने को मिला और 12 घंटे और 7 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम। जिसमें अगर यूजर्स की बात करें तो 3 घंटे 6 मिनट इंस्टाग्राम यूज किया, 2 घंटे 9 मिनट वाइट स्टूडियो, 1 घंटे 30 मिनट यूट्यूब यूज किया, 2 घंटे के आसपास कॉल का यूजेज रहा, 27 मिनट प्राइम और 33 मिनट अमेजन यूज किया और क्रोम और क्रिकेट लीग ये सारे चीजें भी रही थी। तो ये सारे बैटरी स्टेट्स काफी अच्छे हैं। अगर हम बात करें आइडियल बैटरी ड्रेन की, तो ओवर द नाइट डेटा ऑफ करने के बाद में जो आइडियल बैटरी ड्रेन है वो काफी इंप्रेसिव देखने को मिलता है। जैसे कि आप इन दोनों वीडियो में देख सकते हैं, 127 AM पे फोन की बैटरी 15% और सुबह 8:19 AM पे फोन की बैटरी 14%, मतलब ऑलमोस्ट 7 घंटे में सिर्फ 1% बैटरी ड्रेन देखने को मिला है। वहीं अगर दूसरे केस में बात करें तो यहाँ पे सीन अलग है, रात के 1:29 AM पे फोन की बैटरी 47%, वहीं सुबह के 8:42 AM पर बैटरी अभी भी 47% थी, तो यहाँ पे 0% बैटरी ड्रेन देखने को मिला। सो ओवरऑल बैटरी बैकअप बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इनफैक्ट मैंने इस फोन में BGMI टेस्ट भी किया था, तो उसके बेसिस से बता रहा हूँ, अगर आप इस फोन में सिर्फ BGMI खेलते हैं तो भी आप 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम इस फोन से आराम से ले सकते हैं। नाउ अब बात करें अगर
चार्जिंग टाइम की, तो 25 वॉट का अगर आप चार्जिंग करते हैं तो 1 घंटे 50 मिनट के आसपास आपका फोन फुल चार्ज हो जाता है। वहीं अगर आप ये चार्जर ना लेना चाहें और 15 वॉट के चार्जर से यूज करते हैं तो आपको 2.5 घंटे के आसपास देखने को मिल जाता है। मैंने इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि अगर आप इस फोन के साथ 25 वॉट का चार्जर यूज करना चाहते हैं या फिर 15 वॉट का, एंड इवन कंप्लीट बैटरी ड्रेन टेस्ट भी किया है। यहाँ पे आपको कार्ड देखने को मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। एंड इसी के साथ आते हैं अब परफॉर्मेंस पर। डायमेंसिटी 6100 प्लस देखने को मिल जाता है जो कि 6nm पे बना हुआ चिपसेट है। एंटूटू की बात करें तो यूजुअली इस चिपसेट के साथ में आने वाले फोन 4 लाख से ऊपर का एंटूटू स्कोर करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा अनयूजुअल था। पहले मुझे 3,80,000 के आसपास देखने को मिला, जब मैंने दोबारा रन किया तो 3,67,000 के आसपास। आई डोंट नो इतना कम क्यों आया ये स्कोर। और वहीं गीकबेंच स्कोर की बात करें तो ये भी फेयरली गुड है। इनफैक्ट सीपीयू स्टेबिलिटी की बात करें तो मैंने सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट किया था 10 मिनट के लिए, तो फोन का टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस गया, लेकिन सीपीयू सिर्फ 2% थ्रॉटल हुआ, 98% की स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है। एंड वहीं जीपीयू स्टेबिलिटी की बात करें तो मैंने 3D मार्क वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट किया था तो उसमें भी 99.1% स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, और फोन का टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस तक गया था। एंड ये दोनों टेस्ट मैंने रूम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास किए थे। सो बात करें तो दीज आर जस्ट बेंचमार्क्स। मैंने एक डेडिकेटेड गेमिंग टेस्ट किया है इस फोन के बारे में जिसमें कंप्लीटली सारी चीजें कवर की है, तो उसमें भी बात करें तो मैंने 2 घंटे के आसपास BGMI खेला था। उसके बाद फोन का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, एंड ओवरऑल गेम प्ले का जो मोमेंट था वो भी डिसेंटली स्मूथ था। इनफैक्ट अगर अब आउटडोर की बात करते हैं तो मैंने कैमरा यूज किया था ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तक, तो ऐसे में ये फोन काफी वार्म देखने को मिल रहा था। मैंने टेम्परेचर चेक नहीं किया लेकिन कैमरा में कोई जिटर्स देखने को नहीं मिले, और वीडियो शूट की ड्यूरिंग भी ऐसा नहीं कि कोई फ्रेम स्किप कर रहा था। मेरा एक्सपीरियंस काफी डिसेंट रहा। नाउ बात करते हैं डे टू डे यूजेस की। तो ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ। मैं क्रोम यूज कर रहा था और 3 टैब्स मैंने यूट्यूब के ओपन कर रखे थे। फोन इतना ज्यादा लैग कर रहा था कि मुझे फोन को रीस्टार्ट करना पड़ा, उसके बाद ही ये वर्क किया। लेकिन ये दोनों बार फोन को सेटअप करने के शुरुआत के 2-3 दिन के अंदर हुआ था, जो कि यूजुअली हो सकता है, बहुत से फोन में देखने को मिलता है। एंड उसके बाद मुझे दोबारा ऐसा इशू देखने को नहीं मिला। एंड वहीं दूसरे सिनेरियो की बात करें तो 2-3 बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि कुछ देर के लिए जेस्चर वर्क नहीं करते, मैं कॉल भी पिक नहीं कर पा रहा था 2-3 मिनट तक। फोन को 2-3 मिनट तक आइडल रखना पड़ा, तब जाके फिर से वो यूज हुआ। बट आई थिंक ये सॉफ्टवेयर के थ्रू फिक्स किए जा सकते हैं। और हाँ, अपडेट से याद आया, बट 4 साल के अपडेट ये फोन झेलेगा कि नहीं, तो सी इसका कोई सर्टेन आंसर नहीं है और ना ही मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। ये लॉन्ग टर्म में डिपेंड करेगा कि अपकमिंग जो अपडेट्स हैं वो कितने रिसोर्स हैवी हो जाते हैं। हालांकि सैमसंग अपडेट्स के मामले में इतना मैसअप करता तो नहीं है, काफी ऑप्टिमाइज रहते हैं, मैंने अपने S20 FE में देखा है। बट ये एक बजट फोन है तो यहाँ देखने लायक रहेगा कि सैमसंग क्या करता है इसके साथ में। वैसे लॉन्ग टाइम में देखें तो टाइम के साथ जो अपडेट आते हैं फोन यूजुअली 3-4% एक साल में स्लोवर हो जाता है। देखिए ये सिर्फ एक अजम्पशन है, तो 4 साल के बाद अगर हम एंटूटू स्कोर को ध्यान में रखते हुए कहें तो सपोज आज 3,80,000 के आसपास इसका एंटूटू स्कोर देखने को मिलता है, तो आई थिंक अगर अपडेट्स के बाद में अगर ये थोड़ा सा स्लो डाउन होता है तो 4 साल बाद में भी सपोज ये 3 लाख के आसपास का एंटूटू स्कोर मेंटेन करके रखेगा, विच इज इक्विवेलेंट टू सपोज स्नैपड्रैगन 680, जो कि एक काफी डिसेंट परफॉर्मर है। देखिए मैंने जो ये सिचुएशन बताई ये हाइपोथेटिकल है, आइडियल सिचुएशन में अप्लाई हो सकती है, रियल टाइम में चीजें बहुत सारी चेंज हो जाती है। बट आई थिंक ये लॉन्गर अपडेट्स आपके इस फोन की रीसेल वैल्यू बढ़ाए रखने में हेल्प कर सकते हैं, अगर 1-2 साल बाद ये फोन आप सेल करना चाहें तो। एंड अब बात करते हैं अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो काफी अच्छे से वर्क करता है, टच एंड अनलॉक हो जाता है, मतलब काफी डिसेंटली देखने को मिलता है। वहीं फेस अनलॉक की बात करें तो डे लाइट में काफी अच्छा है, एंड वहीं नाइट की बात करें तो ये स्क्रीन की ब्राइटनेस को थोड़ा बम्प अप करता है, सो ऑलमोस्ट टाइम्स ये वर्क कर जाता है। एंड अब बात करते हैं अगर रैम मैनेजमेंट की, ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं एप्स की, ये 20 एप्स है, एंड मैं आपको सिर्फ 10 एप्स का ही रैम मैनेजमेंट टेस्ट दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 15 और 20 एप्स पे ट्राई किया था तो बहुत सारी एप्स रिस्टार्ट हो रही थी। तो अब एप्स लोड करने के बाद में अगर हम इंस्टेंटली चेक करते हैं तो सारी एप्स देखने को मिल जाती है मेमोरी में, तो इसीलिए मैंने इन एप्स को ओपन करके फोन को लॉक करके 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। तो अगर अब हम चेक करते हैं 1 by 1 सारी एप्स, तो आउट ऑफ 10 8 एप्स मेमोरी में थी, अमेजन और फेसबुक रीस्टार्ट हो गई थी। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल यूजेस, हम यूजुअली इतनी सारी एप्स चला के नहीं छोड़ते हैं, राइट? मैं मोस्टली यूट्यूब स्टूडियो, अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर क्रोम, ये चीजें 3-4 एप्स साथ में चलाता हूँ और कई बार फोन को लॉक करके भी छोड़ देता हूँ, तो 2 घंटे बाद में भी वो एप्स मेमोरी में रहती है। एंड इनफैक्ट ओवर द नाइट मैं अमेजन, फ्लिपकार्ट और यूट्यूब स्टूडियो, इनमें से 3-4 एप्स
मैं रात भर छोड़ देता हूँ इस फोन में लॉक करके एंड सुबह देखता हूँ तो तब भी वो मेमोरी में होती है 90% टाइम्स। तो कुछ इस तरीके का रैम मैनेजमेंट देखने को मिलता है जो कि फेयरली डिसेंट है। कैमरा के रिगार्डिंग माफी चाहूंगा एज ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है तो ऐसे में कुछ रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता बिकॉज मैंने इस फोन का एक डिटेल्ड कैमरा रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यहाँ पे कार्ड देता हूँ आप जाके वो देख सकते हैं लेकिन प्लीज ये वीडियो देखने के बाद। बट कलेक्टिवली बताऊं तो इस फोन का कैमरा अच्छा है, एक्चुअली प्रोसेसिंग काफी अच्छी है, इट्स ए गुड कैमरा फोन। ओके सो नाउ आई थिंक मैंने सारी चीजें इस फोन के बारे में कवर कर दी है एंड अब बात करते हैं कि किनको ये फोन लेना चाहिए। तो देखिए इसका सीधा सा जवाब है अगर आप एक मीडियम इंटेंस यूजर है, मीडिया कंजप्शन, सोशल मीडिया, कॉलिंग एटसेट्रा करते हैं और कभी कभी गेम्स भी खेल लेते हैं, कैजुअल गेम्स भी, इनफैक्ट आप बीजीएमआई भी खेल सकते हैं, काफी डिसेंटली परफॉर्म कर रहा था ये फोन। बट सिर्फ गेमिंग के लिए मैं आपको ये फोन रिकमेंड नहीं करूंगा, आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस के लिए अगर फोन लेना ये बहुत अच्छा फोन है। एंड इसी के साथ एक जरूरी बात, इस फोन के 4GB वेरिएंट से थोड़ा सा बच के रहें। एंड इनफैक्ट बात करें तो कैमरा काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, आई मीन जो पोस्ट प्रोसेसिंग है वो काफी अच्छी देखने को मिलती है और एक फेयरली गुड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको ये फोन देता है। एंड यार कॉल रिकॉर्डिंग विदाउट अनाउंसमेंट मेरे लिए एक तो काफी अच्छा प्रो है और इस वजह से भी मुझे सैमसंग फोन्स काफी अच्छे लगते हैं। हाँ ये फोन उतनी परफॉर्मेंस निकाल के नहीं देता जितनी इस सेम चिपसेट के साथ में दूसरे फोन निकाल के देते हैं। देखिए वनयूआई एक बहुत ही अच्छा हॉर्स है लेकिन ये चीज बजट फोन्स पे लागू नहीं होती, आई मीन दे फील स्लोवर, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फिक्स हो सकता है अगर सैमसंग चाहे तो। अल्टरनेटिवली अगर नॉर्मल टास्क जैसे एनिमेशन वगैरह आपको स्लो लगते हैं तो आप डेवलपर ऑप्शन में जाके वहां से एनिमेशन की जो लेंथ है वो कम कर सकते हैं, कुछ चीज़ें इंप्रूव होती है। और मैं बताना चाहूंगा कि जो इतने सारे ब्लॉटर्स मिलते हैं वो डिसेबल और अनइंस्टॉल करने के बाद में फोन की परफॉर्मेंस में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए कोई फोन परफेक्ट नहीं होता, खासकर बजट फोन्स में, अदर फोन में आपको कहीं ना कहीं और कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है, इसमें कहीं और। कभी कभी बग्स देखने को मिलते हैं लेकिन अपडेट्स कंसिस्टेंट हैं तो उन बग्स को जो फिक्स करने के वो चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एंड नाउ बैटरी लाइफ इज प्रेटी सॉलिड इन दिस वन। सेम कैपेसिटी का मैंने एक और फोन यूज किया है, मोटो G54। आई नो उसमें चिपसेट थोड़ा सा आपको इससे पावरफुल देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा है। सो यूजुअली आई डोंट यूज टू लाइक सैमसंग फोन्स इन बजट और ये फोन भी मैंने टेस्ट इसीलिए किया था क्योंकि इस बार इसमें एक्सिनोस नहीं मिलता। सो जो मेरा पर्सपेक्टिव है थोड़ा गलत साबित हुआ, इट्स ए गुड फोन, बस डिपेंड करता है कि आपका यूजेस क्या है। सो आई गेस दिस वीडियो कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट दिस फोन। स्टिल हैव क्वेश्चन, आस्क इन कमेंट्स। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है यू नो व्हाट टू डू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।